भाजपा जिला महिला मोर्चा की बैठक का किया गया आयोजन। भाजपा प्रदेश कार्यालय से सह मंत्री नवनीत कौर ने की बैठक। लाडली बहना और अन्य योजनाओं को लेकर चर्चा करते हुए जिम्मेदारियां सौंपी। वही बोलो, ये पर्दा खोलने वो वाला आज का बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा का आयोजन किया गया, क्या रहा इसमें, कौन बाहर से आया था और क्या निर्णय यहाँ पर लिए गए, किन विषयों को लेकर आगे गतिविधि रही? आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारी प्रदेश की कार्यालय सह कार्यालय मंत्री दीदी नवदीप कौर दीदी मुख्य अतिथि के रूप में आई हैं और यहाँ पे लाडली बहना जो हमारे भाई साहब मुख्यमंत्री जी ने चलाई है वो 10 जून को सभी बहनों के खाते में रिलीज़ हो जाएंगे, आ जाएंगे और 1,25,00,000 बहनों के खाते में ये पैसे 10 जून तक डल जाएंगे। और आज हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेके सभी महिला मोर्चा की बहनों के साथ दीदी ने संबोधित किया बहनों को। आपका परिचय देगा और आज बैठक में किस प्रकार से किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, क्या निर्देश पार्टी के अपने पदाधिकारियों को दिए गए हैं उसके बारे में? मैं नवदीप कौर छाबड़ा, मैं प्रदेश में सह कार्यालय मंत्री महिला मोर्चा और आज मुझे विदिशा नगरी में आने का सौभाग्य मिला। उसका मुख्य जो उद्देश्य है, आज हमारे यहाँ पूरे 57 जिलों में बैठक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है जो कि हमारी लाडली बहना जो योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है उसके बारे में हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने हम नारियों को, हम बहनों को ये सम्मान दिया और हमें बहन बना करके हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये योजना का प्रारंभ किया है। उसके धन्यवाद के और आभार के रूप में आज हम आप सब पत्रकार भाई साहब लोगों से मिलने आए हैं और एक पत्रकार आपकी वार्ता के उसमें हम आप लोगों के साथ हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले? 57 अभी नया निवाड़ी हुआ है जिसमें घोषणा अभी वो नहीं हुई है किसी, उसमें जिलाध्यक्ष 57 जिले हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कमलनाथ ने भी मेरा विषय नहीं है, मैं तो आपको सुनिए, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सरकार कम करेगी सिलेंडर वाले मामले में महंगाई बढ़ रही है। एक बात बताइए, सुनिए, 1,000 रुपए भैया दे रहे हैं हमें, तो हमारे लिए तो वैसे ही दे रहे हैं ना। सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, हम सिलेंडर के विषय पे नहीं जाएंगे ना, हम तो सिलेंडर के विषय में क्यों जाए, हमें तो भैया 1,000 रुपए दे रहे हैं कि आप अपने लिए। आज क्या होता है, पुरुषों से मांगना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि पुरुषों से लेने में कोई वो नहीं है, पर जो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने पे, हमारे पास में एक पैसा है उसको हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, वो जो कॉन्फिडेंस और सशक्तिकरण भाई साहब दे रहे हैं हम तो उस पर बात करेंगे ना, ताकि हम फल फ्रूट सब ले सकें।